शाहजहांपुर जनपद के मीरानपुर कटरा थाना क्षेत्र के रायपुर गांव में हुई एक युवक की संदिग्ध मौत। पूरे परिवार पर कहर बरपाने वाले युवक गजेंद्र पाल जाटव पुत्र बाबूराम जाटव की अचानक फांसी लगने से हुई मौत। परिवार वाले इसे आत्महत्या बता रहे हैं, जबकि सूत्रों की माने तो युवक की हत्या की गई है और यह हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसी के परिवार वालों ने की है और इस हत्या को आत्महत्या में तब्दील करने में थाना पुलिस भी अहम रोल निभा रही है। अभी तक पुलिस इसे आत्महत्या होने का दावा कर रही थी, लेकिन मीडिया के हस्तक्षेप के बाद एसपी शाहजहांपुर ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद उचित कार्रवाई करने की बात कही है। वहीं अगर मृतक की बहन शीश कुमारी के बयान पर गौर करें तो स्पष्ट रूप से हत्या किए जाने की ओर इशारा हो रहा है, क्योंकि एक ओर वह कहती है कि मृतक पूरे परिवार से झगड़ता था और फरसा लेकर मारने को दौड़ता था, वहीं दूसरी ओर कहती है कि मृतक ने अचानक आत्महत्या कर ली। फिलहाल ये कहानी किसी के गले नहीं उतर रही है। वहीं सूत्र ये भी बता रहे हैं कि परिवार वाले आनन फानन में मृतक के शव का अंतिम संस्कार करने वाले थे, इसी दौरान डायल 100 पुलिस ने इन्हें दबोच लिया और फिर इसके बाद परिवार के साथ ही पुलिस भी इसे आत्महत्या बताने लगी। फिलहाल मीडिया के हस्तक्षेप के बाद एसपी शाहजहांपुर ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद उचित कार्रवाई की बात कही है। क्या नाम था तुम्हारे भाई का? गजेंद्र। फांसी क्यों लगाया? पैसे मांगते थे, बाइक मांगते थे, फांसी लेकर थे। अच्छा, तुम्हारा क्या नाम है? शीश कुमार। गजेंद्र पाल की कौन हो? बहन। अच्छा, ये कल कई बजे इसने मतलब फांसी लगाया? 5 बजे। दिन के 5 बजे? हाँ। फिर क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, आप मुझे क्या मालूम। जब उन्होंने फांसी लगाई तो आप लोग कहाँ थे, घर वाले सब? बाहर निकल गए, जब वो लेकर फरसा फिरते थे, किसी का ना किसी का मोड़ काट लेंगे। फरसा लेकर घूमते थे? हाँ। तो आप जब उन्होंने गदर करा तभी आप बाहर भाग गए सब लोग? और क्या, इतने उन्होंने फांसी लगा ली है। मम्मी उनकी क्या नाम? चमेल। मम्मी को ही मारा उनके? हाँ। क्या मारा? वो कीट मारी है। कीट मारी? हाँ।